एसपीआरए पलाश बंसल के नेतृत्व में पुलिस कर्मियों द्वारा पुलिस के उच्च अधिकारियों के साथ बाबा के 3 बुलडोजर लेकर अलीगढ़ पलवल हाईवे गोमद चौराहे स्थित कस्बे खैर में फ्लैग मार्च निकाला गया। पुलिस कर्मियों द्वारा अपने साथ 3 बुलडोजर के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया। दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ के तहसील खैर क्षेत्र का है, जहां बीते दिनों अग्निपथ योजना को लेकर प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों के द्वारा चौकी में तोड़फोड़ की गई, साथ ही नेशनल हाईवे पर जमकर उत्पात मचाया गया था, जिसको लेकर आज एसपी ग्रामीण के द्वारा बुलडोजर के साथ दबंगइयों को सताने के लिए फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान पीएसी सहित अन्य पुलिसकर्मियों की मौजूदगी रही। पुलिसकर्मियों द्वारा बुलडोजरों के साथ फ्लैग मार्च दबंगई और मलबा गिराने वाले लोगों को मैसेज देने के लिए निकाला गया। आपको बता दें, जिस तरह से टप्पल इलाके में 2 दिन पहले अग्निवीर योजना के विरोध में युवाओं के द्वारा टप्पल इलाके में हिंसक विरोध प्रदर्शन किया गया था, उसी के परिपेक्ष में आज एसपी ग्रामीण पलाश बंसल के नेतृत्व में खैर क्षेत्र में 3 बुलडोजर के साय में फ्लैग मार्च निकाला गया है। बुलडोजर के साथ निकाले गए फ्लैग मार्च के दौरान मौके पर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक एसडीएम संजय मिश्रा सहित क्षेत्र अधिकारी खैर आरके सिसोदिया, उतरोली क्षेत्र अधिकारी शिव प्रताप सिंह और इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार समेत क्षेत्रीय सोफा पुलिस चौकी इंचार्ज गौरव चौधरी, हेड कांस्टेबल प्रवेंद्र चाहर, कांस्टेबल जयपाल सिंह, अखिलेश कुमार सहित पीएससी और भारी पुलिस फोर्स मौजूद रहे। इस दौरान बुलडोजर के साथ गोमत चौराहे से लेकर नोह झील बाजना रोड स्थित गोमत गांव से लेकर फ्लैग मार्च निकालने के दौरान मौजूद अधिकारियों के द्वारा क्षेत्र में रहने वाले लोगों से अपील करते हुए कहा गया कि क्षेत्र में फैल रही अफवाहों पर कोई भी व्यक्ति ध्यान न दे और सोशल मीडिया पर डाली जा रही भड़काऊ वीडियो पर भी बिल्कुल भी ध्यान न दे। अगर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट या अफवाह इलाके में फैला रहा है तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी जाए, जबकि पुलिस को सूचना देने वाले का नाम और उसकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी। भारत बंद का अलर्ट था, जिसके लिए सभी जगह पर जो भी संभावित जगह हम लोगों के यहाँ है उस पर फोर्स लगाया गया है और लोगों से वार्ता की गई, मुलाकात लोगों से भी की गई, उनके गांव के प्रधान वगैरह इनसे की गई और जितने भी लोग हैं सभी को कहा गया है कि किसी तरह की अराजकता ना हो। फोर्स अलर्ट है और सभी मामला जो है शांत। क्या कभी तक कार्रवाई की गई है जो अलीगढ़ में उपद्रव हुआ? 3 दिन पहले हुआ था, उसी दिन उसको शांत कर दिया गया था, उसको मुकदमे दर्ज कराए गए थे, टप्पल थाना क्षेत्र में चार्ज कराए गए। उसके बाद जो कुछ अफवाहें सोशल मीडिया में फैल रही थी उसमें मुकदमे और कराए गए। उसमें अब तक लगभग मुकदमों में 68 आदमी और इसके अलावा 51 आदमी मिलाकर 118 लोगों की जो वैधानिक कार्रवाई की जा चुकी है और जो सोशल मीडिया है उस पर लगातार निगरानी हम लोगों ने। सर, भाजपा नेता को भी गिरफ्तार किया है? हम लोगों ने जितने लोग गिरफ्तार किया है उनका कोई बैकग्राउंड ऐसा पॉलिटिकल हम लोगों ने अभी इसमें देखा नहीं है, ना उसमें हम कोई स्टेटमेंट देंगे। जिन लोगों ने भी घटनाएं की है उसमें कार्रवाई होगी। अभी तक एक मुकदमे कितना, गिरफ्तारी कितनी है बताया ना आपको? 4 मुकदमे टप्पल में थे, उसके अलावा अफवाह फैलाने वाले और अन्य तरह के 5 मुकदमे और अन्य थानों में दिखाए गए थे। टोटल 9 मुकदमे थे जिसमें 68 लोगों का मुकदमों में जेल भेजा गया, इसके अलावा 50 के लगभग लोग हैं 51 में जेल भेजे गए थे और कई लोग लगभग 2 दर्जन लोग अभी इंटरव्यू लेकर चल रहा है साक्ष्यों के आधार पर। जी, आज कोचिंग सेंटर भी सील किए गए, कुल कितने किए गए सील? तो इसके जो संचालक हैं 11 संचालकों के विरुद्ध FIR दर्ज की गई, उनको जेल भी जाएगी। सील भी किए गए कोचिंग सेंटर? ये जो संबंधित विभाग हैं वो अपना काम कर रहे हैं, इनकी मान्यता वगैरह जो चेक कर रहे हैं। थैंक यू।